इकोनॉमिक्स में यूज़ हो रहा है हेल्थ साइंस में यूज़ हो रहा है इनवामेंट में यूज़ हो रहा है क्वालिटी कंट्रोल में हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज़ करें मल्टीवेरिएट एजुकेशन के डेटा के ऊपर मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो रहा है साइकोलॉजी के डेटा के ऊपर मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट फील्ड्स में ये तो मैंने आपको सम ऑफ देम बताई है ना जहाँ पर मल्टीवेरिएट एनालिसिस की एप्लीकेशन है और इतनी फील्ड्स हैं जहाँ पर मल्टीवेरिएट की एप्लीकेशन हो रही है तो हम कुछ यहाँ पे स्टडी करते हैं नाउ नंबर वन इज द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इसमें हम देखते हैं कि मल्टीवेरिएट कैसे हमें हेल्प कर रहा है नाउ इसी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मल्टीवेरिएट एनालिसिस हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोस बाय कंसिडरिंग द इंटर डिपेंडेंस ऑफ एसेट रिटर्न यानी कि हम क्या देख रहे हैं इंटर डिपेंडेंस ऑफ एसेट रिटर्न एंड द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इसके बिटवीन हमने क्या चेक किया Interdependence. क्या है इंटर डिपेंडेंस और हमारे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज क्या हैं बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है प्राइस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है एक्सचेंज रेट रियल इस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स तो हम किसके बिटवीन चेक कर रहे हैं इंटर डिपेंडेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एंड द एसिड रिटर्न के बिटवीन हमने इंटर डिपेंडेंस चेक किया तो इसमें आपके पास देखें हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और हर मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर डायमेंशंस है यानी स्टॉक मार्केट के अंदर डायमेंशंस होंगी प्राइस बॉन्ड के अंदर डायमेंशंस हैं प्राइस बॉन्ड के अंदर डायमेंशन क्या हो गई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का है सेवन थाउजेंड का हमारे पास प्राइस uh, बॉन्ड है तो दीज आर दी डायमेंशंस एक्सचेंज रेट की डायमेंशंस है तो जब आपके पास वेरिएबल्स के फर्दर डायमेंशंस आ रही हैं तो वो हमारे पास मल्टीवेरियर डेटा बन रहा है तो मल्टीवेरियर टेक्निक हम उसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया रिस्क असेसमेंट रिस्क असेसमेंट में हम क्या करेंगे इट मॉडल रिस्क फैक्टर इन फाइनेंशियल मार्केट क्या करना है हमने एस्टिमेट को रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट एंड अस पोटेंशियल रिस्क हमने यहां पे मॉडलिंग के थ्रू रिलेशनशिप चेक हैं बिटवीन डिफरेंट रिस्क और रिस्क हमारे पास कौन से हैं सच एज इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट मार्केट स्टेबिलिटी दीज आर द रिस्क फैक्टर एंड वी कैन एस्टिमेट द ओवरऑल रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट और अ पोर्टफोलियो। तो हमने क्या किया यहाँ पे बेसिकली हम मॉडलिंग कर सकते हैं हम मॉडल जनरेट कर सकते हैं और मॉडल के साथ हम उसका रिलेशन चेक कर रहे हैं बिट्वीन द डिफरेंट रिस्क फैक्टर और हम एस्टिमेट कर रहे हैं ओवरऑल रिस्क

ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी देखते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स है और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं पेशेंट्स को क्या वो हमारे पास इफेक्टिव हैं या नहीं इफेक्टिव हो रही हैं तो जब हम उसको इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं इट मीन्स कि हम उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग आ रही है तो हम यहाँ पे होटलिंग टी केयर यूज़ कर सकते हैं होटलिंग टी केयर हमारे पास मीन वेक्टर को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो हमने बेसिकली क्या असेस करना है एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग्स एंड द ट्रीटमेंट वाइल कंसिडरिंग देश आउटकम्स मयर एंड द को वेरियंट्स यानी क्लिनिकल ट्रायल्स में भी हमारे पास मल्टीवेरियंट अनिसिस यूज हो सकता है यानी मल्टी वेरियंट डेटा है तो हम मल्टीवेरियंट अनिसिस करेंगे ना नंबर टू इज द डिजीज डाइग्नोज अब हमारे पास डिजीज के आइडेंटिफिकेशन हमने चेक करनी है कि ये आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं और इस सिम्टम्स को हम कह रहे हैं उसको ये वाली डिजीज होगी तो वो सिम्टम्स हम देख रहे हैं बेसिकली क्या है मल्टीवेरिएट क्या हेल्प कर रहा है इट हेल्प दी आइडेंटिफाई दैटर्न अक्रॉस मल्टीपल डायग्नोस्टिक टेस्ट और ऑफ मोर एक्यूरेट डिजीज आइडेंटिफिकेशन तो हमारे पास क्या हो गया है? हम डिजीज आइडेंटिफिकेशन भी हमें पता चल रही है मल्टीपल मल्टीवेरिएट की एप्लीकेशन से नॉनो थर्ड इज द इपिडमोलॉजी ईपी में हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं हम उसमें रिस्क फैक्टर को की प्रेवलेंस चेक करते हैं मल्टीवेरियत मैथड्स आर एम्प्लॉयड टू स्टडी द इंटरैक्शन बिटवीन मल्टीपल रिस्क फैक्टर इन डिजीज प्रेवलेंस एंड आउटब्रेक अब हमारे पास बेसिकली हेल्थ केयर क्या है हेल्थ केयर के अंदर हमारे पास एक क्लिनिकल सिम्टम्स बायोलॉजिकल में अब क्लिनिकल सिम्टम्स sy में क्या है वेरियस साइंस आ रहे हैं हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के तो हम उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको डिजीज डायग्नोज करके दे रहे हैं बायोलॉजिकल मेकर्स बायोलॉजिकल क्या हो रहा है हम उनका ब्लड टेस्ट ले रहे हैं जेनेटिक टेस्ट हो रहा है और उनके एक्सरेस हो रहे हैं इमेजिंग हो रही है तो वो हमारे पास क्या हो गया बायोलॉजिकल मेकर्स डेमोग्राफिक्स डेमोग्राफिक में हमने क्या देखा उनकी एज जेंडर देखी और अदर रेलिवेंट पेशेंट करेक्टरिस्टिक्स को हम मैयर कर लेंगे मेडिकल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री में है कि उसको जो डिजीज़ आ रही है वो डिजीज़ क्या उसके पेरेंट्स में थी या फोर फादर्स में थी तो हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक करनी है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो गया लाइफ स्टाइल फैक्टर लाइफ स्टाइल में क्या है क्या जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो स्मोकिंग कर रहा है उसकी डाइट कैसी है फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं उसकी दीज़ आर ट्रा और हम कौन से वेरिएबल्स इसमें स्टडी कर सकते हैं तो ये सारे हमारे पास वेरिएबल कौन से हो गए मल्टीवेरिएट वेरिएट के लिए वेरिएबल्स कुलेक्ट हो गए हैं जिसमें हमने क्या किया एफिशेंसी चेक की है ड्रग्स की और हमने उसको देख के उसकी ट्रीटमेंट चेक की है ट्रीटमेंट दिया है और हम फर्दर उसको मल्टी क्या है मैयर कर रहे हैं उसकी हम को ओके नंबर टू एंड नंबर थ्री इज दार्केटिंग एंड मार्केट रिसर्च नंबर थ्री इज द मार्केटिंग एंड दार्केट रिसर्च अब मार्केटिंग में हम क्या चेक करें सबसे पहले हम देख रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर अब कंज्यूमर बिहेवियर आपके पास क्या है कि जो कंज्यूमर आ रहा है उसने किस टाइप की क्वालिटी लेनी है किस टाइप की उसको परचेजिंग पावर है उसकी और कौन सी क्वालिटी में वो इंटरेस्टेड है तो हमारे पास क्या हो गया कंज्यूमर बिहेवियर मल्टीवेटेड एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई फैक्टर इनफ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफ्रेंस कैसे उसकी कंज्यूमर की चॉइस है वो किस टाइप की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे कि कंज्यूमर जो है उसको बाई कर ले उसकी प्रेफ्रेंसेस क्या हैं कंज्यूमर कैसी प्रेफरेंसेस चाहता है उसको आपके पास कैसी क्वालिटी होगी उसकी प्राइस क्या होगी जिसको वो प्रेफरेंस करें एनेबलिंग बिजनेस टू टारगेट स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट इफेक्टिवली तो हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस या मल्टीवेरिएट डेटा जो है वो क्या हेल्प कर रहे हैं हम उसमें फैक्टर्स डिटर्मिन कर रहे हैं और वो फैक्टर्स किस पे बेस कर रहे हैं कंज्यूमर चॉइस पे एंड प्रेफरेंसेस पे नेक्स्ट इज द मार्केट सेगमेंटेशन मार्केट सेगमेंटेशन हमारे पास क्या है जिसके अंदर बेसिकली हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं क्लस्टर एनालिसिस यूज करते हैं इट एड्स इन क्लस्टरिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन मल्टीपल एट्रीब्यूट क्रिएटिंग डिस्टिंग मार्केट सेगमेंट फॉर टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अब हमारे पास मार्केट सेगमेंटेशन क्या हैं कि कंज्यूमर किस टाइप की प्रोडक्ट पसंद करता है कंज्यूमर कहाँ से बिलोंग कर रहा है उसके पास किस एरिया से आ रहा है हमारे पास कंज्यूमर प्रोफाइलिंग है हम उसको चेक कर लेते हैं कि उसकी डेमोग्राफिक सबसे पहले हमने देखी कि उसकी एज उसकी जेंडर एजुकेशन लेवल और कितने उसके अंदर हाउस होल्ड इनकम वो हमारे पास सारे डेमोग्राफिक में चले गए कंज्यूमर बिहेवियर हम देख रहे हैं कि एज हमने चेक कर लेना है जेंडर देख लेनी है कौन सी जेंडर किस चीज़ को ज़्यादा लाइक like कर रही है इनकम उनके पास कितनी है लोअर लोअर प्रोडक्ट वाली हम बनाएँ या हम उसमें हाई इनकम वाली प्रोडक्ट बनाए एजुकेशन लेवल हमने देख लिया दीज आर ऑल आर दी डेमोग्राफिक वेरिएबल्स जियोग्राफिक लोकेशन कहाँ से बिलोंग कर रहा है उसका रीजन कौन सा है रूर है अर्बन है उसकी सिटी साइज क्या है एसेट्रा दीज आर दी जियोग्राफिक लोकेशन नेक्स्ट हमारे पास है परचेज पावर क्या होगी उसकी परचेज पावर वो एवरेज स्पेंडिंग कर रहा है क्या वो परचेज चैनल उसके पास कौन सा है दीज आर दी परचेज पावर फिर ब्रांड लॉयल्टी कि कितना लॉयल है वो अपने उस ब्रांड के साथ कंज्यूमर लॉयल्टी टू दी ब्रांड एंड रिपीट परचेजेस कितनी बार वो अपने ब्रांड को रिपीट कर रहा है जिसके साथ जिस तरह का उसने ब्रांड लेना है वो कितने टाइम्स उसको रिपीट कर रहा है उसकी हमने लॉयल्टी चेक कर ली नेक्स्ट इज दी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस प्रेफरेंस अब प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस प्रेफरेंस बाय दी कंज्यूमर किस टाइप की प्रोडक्ट को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये हमारे पास होगी मार्केट रिसर्च और मार्केट रिसर्च के डेटा पे भी किसकी हेल्प हो रही है मल्टीवेरिएट एनालिसिस की नेक्स्ट इज मल्टीवेरिएट डेटा कैसे अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट एनालिसिस हमने चेक किया क्लाइमेट एनालिसिस क्लाइमेट के पैटर्न को हम चेक कर रहे हैं अब क्लाइमेट पैटर्न के लिए भी हमारे पास डेटा आ गया और आपको पता है क्लाइमेट का डेटा लार्ज स्केल डेटा होता है लार्ज स्केल डेटा के ऊपर हमारी कोशिश होती है कि लार्ज स्केल डेटा हो और लार्ज स्केल डेटा ज़्यादा अच्छे तरीके से एनालाइज हो जाए तो हम वहाँ पे फैक्टर एनालिसिस या हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बेसिकली हम वहाँ पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करते हैं नाउ द मल्टीवेटेड मेथड आर यूज टू स्टडी द क्लाइमेट पैटर्न्स

प्रेशर हमारे पास आ गया तो ये वेरिएबल्स हैं इन वेरिएबल्स के अंदर फर्दर हमने टेम्परेचर की भी डिफरेंट काइंड बना ली हैं प्रेसिपिटेशन की भी डिफरेंट काइंड बन गई हैं ह्यूमिडिटी की भी डायमेंशनस आ गई हैं एटमोस्फेयरिक प्रेशर की भी डायमेंशन आ रही हैं तो अब डायमेंशन आपके पास आ रही हैं तो हमें फॉरन पता चल गया कि ये मल्टीवेरियट डेटा है पोल्यूशन इम्पैक्ट हम पोल्यूशन का इम्पैक्ट भी चेक कर लेते हैं इट हेल्प अज द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल Plutants. अब कौन से हमारे पास मल्टीपल हम प्लूटेंट्स हैं जी पी एम टू पॉइंट पर्टिक्यूलेट मैटर टू पॉइंट फाइव अब टू पॉइंट फाइव क्या है माइक्रॉन्स हैं और लेस देन डायमीटर है टू पॉइंट फाइव हमारे पास दूसरा वेरिएबल हो गया पी एम टेन कौन से हैं ये आपके पास मल्टीपल प्लूटेंट्स है जो एनवायरमेंट में हमारे पास है और उनको हम स्टडी कर रहे हैं तो एनवायरमेंट के अंदर भी हमारे पास क्लाइमेट पैटर्न चेक करने के लिए भी मल्टीवेरिएट मेथड यूज होते हैं नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस सोशल साइंस में हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैसे हेल्प कर रहा है सबसे पहले अगर हम देखें सोशल साइंस में हमारे पास साइकोलॉजी आ गई साइकोलॉजी में हमने चेक किया है जी एंजाइटी अब एन्जाइटी के कितने फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं स्ट्रेस आ रहा है पर्सनालिटी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए भी हमें एन्जाइटी हो रही है स्ट्रेस हमें हो रहा है अपने आप को बिल्डअप करने के लिए सोशल एन्जाइटी हमें होती है तो एनजाइटी के भी डिफरेंट फैक्टर्स हो रहे हैं अब उन फैक्टर्स की जो हमने रिलेशन चेक करनी है उसके लिए भी हमें मल्टीवेरियर टेक्निक्स चाहिए नाउ नेक्स्ट इज दी साइकोलॉजिकल रिसर्च मल्टीवेरियट एनालिसिस इज यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप

एम्प्लड है या अनएम्प्लॉयड है ये सारे फैक्टर्स भी किसको डेवलप कर रहे हैं उसकी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं तो ये क्या बन गया बेसिकली हमने कह दिया कि ये फैक्टर्स बन रही हैं तो मल्टीवेरियड एनालिसिस साइकोलॉजी में क्या करते हैं बेसिकली फैक्टर एनालिसिस हेल्प करता है डिटर्मिन करने के लिए उन फैक्टर्स को कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं इस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं नाउ द मल्टीवेरियड एनालिसिस इज एम्प्लॉयड टू स्टडी द पर्सनैलिटी ट्रैक्टिक्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स उसके लिए क्या यूज़ किया फैक्टर एनालिसिस अभी मैंने आपको बताया था कि हम फैक्टर एनालिसिस यूज करें ज़्यादातर साइकोलॉजी की रिसर्च में फैक्टर एनालिसिस यूज होता है इट्स कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइन डायमेंशनस डायमेंशन जो हम फैक्टर या हम ग्रुप बना रहे हैं जो हमारे पास ग्रुप बन रहे हैं उन ग्रुप को हम बेसिकली फैक्टर कह रहे हैं ये सारा अगर हमारे पास एक पूरा ग्रुप बन गया और इस ग्रुप का हमने नाम रख दिया पर्सनालिटी रिसर्च तो ये क्या बन गया ग्रुप और ग्रुप मीन्स कि ये एक फैक्टर डिटरमिन कर लिया हमने तो अब क्या हो गया आपके पास साइकोलॉजी में भी और सोशल साइंस में भी मल्टीवेरिएट की एप्लीकेशन चेक कर लिया नेक्स्ट इज द मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में मल्टीवेरिएट कैसे यूज हो रहा है उसकी एप्लीकेशन क्या हो रही है आपके पास सबसे पहले आ गया जी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बन रही है हमने सबसे पहले उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करना है जब हम क्वालिटी को मॉनिटर कर रहे हैं तो मल्टीवेरिएट ही हमें हेल्प करेगा मल्टीवेरिएट एनालिसिस ही हमें हेल्प करेगी बेसिकली उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हेयर इज द मल्टीवेरिएट एनालिसिस मॉनिटर एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी बाय कंसिडरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमें साथ साथ डेटा आ रहा है और डेटा हमको हम, हम एनालाइज़ कर रहे हो एनालाइज करने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये क्वालिटी बेस्ट आ रही है यहाँ पे क्वालिटी में थोड़ा सा फाइव और टेन परसेंट एरर के चांसेस आ रहे हैं तो इसको बेटर कर लिया जाए तो मल्टीवेरिएट डेटा हमारे पास आ गया हमने फ़ॉरन एनालिसिस किया और उससे हमें आइडिया हो रहा है नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलायबिलिटी एनालिसिस हमने उसकी रिलायबिलिटी भी चेक कर ली और रिलायबिलिटी भी हमारे पास मल्टीपल कॉम्पोनेट्स के अकॉर्डिंग हमने उसे देखा है यहां पे तो आपके पास आ गई जी क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर बेसिकली और भी है दीज आर दोसेस पैरामीटर नॉट द क्वालिटी कंट्रोल दीज आर दोसेस पैरामीटर एंड द प्रोसेस पैरामीटर डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर प्रेशर एंड मशीन सेटिंग उसके ऊपर हमारे पास जो प्रोसेस आ रहा है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हो गया है अब उस डेटा के ऊपर हमने मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज़ किया और इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं डिफेक्टिव रेट भी दे सकते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट आ रही है उसकी डिफेक्टिव के रेट कितना है प्रोडक्ट की डायमेंशन को भी हम चेक कर सकते हैं वो भी हमारे पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस ही वहां पर यूज़ कर सक, करते हैं नाउ द नेक्स्ट इज द एजुकेशन एजुकेशन में मल्टीवेरिएट की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है अब कैसे आपके पास स्टूडेंट अचीवमेंट हम देख रहे हैं स्टूडेंट के जी को हमने कंसिडर करना है अब स्टूडेंट की परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है एजुकेशनल असेसमेंट मल्टीवेरिएट एनालिसिस इज यूज टू अवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स बाय कंसिडरिंग मल्टीपल स्टूडेंट परफॉर्मेंस मेट्रिक्स क्या किया मल्टीवेरिएट एनालिसिस ने यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे चेक किए डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को किसके साथ बाय कंसीडरिंग कंसिडरिंग द मल्टीपल स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ हमने चेक किया यानी डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं कोई हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग मेथड है ऑन कैंपस टीचिंग मेथड है असाइनमेंट बेस्ड टीचिंग मेथड है उसकी परफॉर्मेंस ऑनलाइन की परफॉर्मेंस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कैसे आ रहा है टीचिंग के ऊपर जो ऑन कैंपस टीचिंग है उस पर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है ये सब डेटा जो है ये मल्टीवेरिएट डेटा है तो लर्निंग एनालिटिक्स हमारे पास बेसिकली क्या हो गई एकेडमिक परफॉर्मेंस हमने चेक की स्टूडेंट्स की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस चेक किया क्लास रूम इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास रूम इन्वायरमेंट हमारे पास क्या हो गया क्लास साइज स्टूडेंट टीचर रेशो क्लास रूम रिसोर्सेज दीज आर दी क्लास इन्वामेंट हमारे पास है पेरेंटल इन्वॉलमेंट क्या पेरेंट्स की हमारे साथ या टीचर के साथ कोई इन्वॉलमेंट है या नहीं स्टूडेंट के ऊपर अपने यानी कि उन्होंने बच्चों के ऊपर कोई चेक रखा हुआ या नहीं रखा हुआ तो ये पेरेंटल इन्वॉलमेंट बहुत ज़रूरी होता है असेसमेंट के लिए स्टूडेंट की एजुकेशनल असमेंट के लिए एक्डेमिक परफॉर्मेंस में हमने उनको देख लिया कि उनके सी जी पी ए क्या आ रहे हैं सोशो इकोनॉमिक स्टेटस मीन कि पेरेंटल इनकम हाउस होल्ड इनकम ले लें या पेरेंट्स की इनकम एंड एजुकेशन लेवल हम ले लें तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी हम स्टडी कर लेंगे दिस इज इज द द एजुकेशन एंड नेक्स्ट इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग अब इमेज एंड सिग्नल प्रोसेसिंग इसमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस कैसे हेल्प करेगा आपको पता है कि इमेज हमारे पास क्या हो रहा है मेडिकल साइंस में हम इसको चेक कर लेते हैं अब बेसिकली आपके पास क्या है जिस ऑब्जर्व जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ रही है वो जिस ग्रुप में बिलोंग कर रही है हम उसको उस ग्रुप में एलोकेट कर देते हैं अब मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास आ रही है ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हमारे पास इमेज एक आया है इमेज मीन्स कि हमने सिटी स्कैन लिया वो जिस ग्रुप में बिलोंग करेगी हम उसको उस ग्रुप में एलोकेट कर देंगे मीन्स के फ्रैक्चर का हमारे पास इमेज आ रहा है तो उसको हमने ये डायग्नोज कर देना है कि इसको फ्रैक्चर है इसको हेड इंजरी है इसको कोई और इंजरी आ रहा है एम आर आई हमने देख लिया सी टी स्कैन देख ली देखा हमने तो ये इमेज उसमें आ रहे हैं तो उस इमेज को स्टडी हम कर रहे हैं फेस की रिकोगशन को हम स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके पास किस कौन सी टेक्निक यूज़ होगी मल्टी टेक्निक्स यूज हो गई यहाँ पर हमारे पास इमेज रिकोगनीशन

एंड फीचर मल्टीपल डायमेंशन आ रही हैं इट मीन्स कि हम यहाँ पर मल्टीवेटेड एनालिसिस तो यूज करेंगे ही सही क्योंकि हमारे पास डायमेंशन मल्टीपल हैं एंड फीचर सच एज ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग हमने इमेज भी देखा सिग्नल प्रोसेसिंग भी देखे सिग्नल प्रोसेसिंग किसके अकॉर्डिंग देखी हमने ऑडियो और वीडियो के अकॉर्डिंग हमने सिग्नल प्रोसेसिंग भी चेक है अब मेडिकल इमेज में हमारे पास इमेज मोडालिटीज एनाटोमिकल स्ट्रक्चर हैं अब इसमें हमारे पास क्या हो गया मैंने आपको बताया बेसिकली हम एम को चेक कर लेते हैं हम सिटी स्कैन देख रहे हैं हम एक्स रे चेक कर रहे हैं तो मल्टीवेटेड एनालिसिस इज वाइडली यूज इन मेडिकल इमेजिंग सच एज एम आर आई सिटी स्कैन टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इमेज मोडालिटीज एंड एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स उसके लिए हमने क्या यूज़ किया मल्टीवेरिएट अनालसिसिस और हमारे पास इमेज इमेज में मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि हमने सिटी स्कैन भी देखा हमने एम देखा हमने एक्सरे देखे और उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि इस पर ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है इस पर मल्टीवेरियर टेक्निक लगेगी और मल्टीवेरियट टेक्निक हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर सकते हैं और हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं अब लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस अभी मैंने आपको प्रीवियस बताया कि जो ऑब्जर्वेशन जिस ग्रुप में बिलोंग करेगी हम उस ऑब्जर्वेशन को उस ग्रुप में एलोकेट कर देंगे तो सम ऑफ द एग्जांपल्स हमने यहाँ पे आज की मल्टीवेरिएट एनालिसिस की अभी ये सम ऑफ़ देम है इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है वो यूज होता है डिफरेंट फील्ड्स में